हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा ओरेकल गाइडेंस जो आपको सुनने की जरूरत है, डिवाइन मैसेज जो आपको राइट नाउ चाहिए। लेट्स टैप इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है या फिर आपको सुनने की जरूरत है। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है जो आपके लिए जरूरी है राइट नाउ, ताकि आपके लाइफ में आसानी आए, चाहे लव है, करियर है, वर्क है, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगी। लेट्स टैप इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. अपने आप को ओपन अप रखो टू रिसीव गाइडेंस। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को ओपन अप करो टू रिसीव मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। कहीं ना कहीं आपको डाउनलोड्स आ रहे होंगे फ्रॉम द डिवाइन। आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, जो जिसके लेकर आप परेशान हो या अपसेट हो, कहीं ना कहीं इफ़ यू ओपन योर सेल्फ अप, आपको वो मैसेजेस, वो डिवाइन गाइडेंस जो है अवेलेबल है राइट नाउ। चाहे वो मैसेजेस के थ्रू है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे वो आप किसी सॉन्ग के थ्रू आपको शायद एक मैसेज, एक गाइडेंस मिले। जस्ट बी ओपन टू रिसीव साइंस एंड मैसेजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अलाइनमेंट जो है फील होगी अगर आप अपने आप को थोड़ा ओपन अप करोगे डिवाइन मैसेजेस को लेकर। सो जस्ट बी ओपन टू दैट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यू आर अ नेचुरल काउंसलर एंड मेनी पीपल बेनिफिट फ्रॉम योर गाइडेंस एंड रीअश्योरेंस। अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो ये जो आपको गाइडेंस अवेलेबल है वो इस तरह से अवेलेबल है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आपका पर्सन हो, आपकी फ्रेंड हो, आपकी फैमिली मेम्बर हो, जो कि करंटली किसी चीज़ से डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप उसको काउंसिल करते हो, उस इंसान को हेल्प करते हो, गाइड करते हो, तो उस गाइडेंस में कहीं ना कहीं आपके लिए खुद के लिए भी एक मैसेज है। सो जस्ट बी ओपन टू दैट, क्योंकि शायद आपको उस गाइडेंस से, हो सकता है अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड कहे कि आपको कोई जॉब चाहिए, उसको कोई जॉब चाहिए, या उसकी लव लाइफ में कोई इशू चल रहा है, हो सकता है कि यू हैव अ बेटर आइडिया टू गिव टू दैट पर्सन। लेकिन होता क्या है कि जब हम दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं, हम वो गाइडेंस खुद नहीं लेते। सो द डिवाइन रियली वांट कि आप जब दूसरों को गाइड करते हो, अगर आप खुद को भी उस तरह से गाइड करते हुए अपनी बात खुद भी मान जाओ या खुद भी सुन लो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सो जस्ट लिसन टू योर इनर सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। दैट्स व्हाट डिवाइन रियली वांट्स यू टू नो। सो ये थ्री रीडिंग आपने की, अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय।